नमस्कार दोस्तों मैं मीनाक्षी हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने एक से डेढ़ साल के बच्चे के लिए ये फ्रंट ओपन कार्डिगन बनाया था विद लेस पैटर्न तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम बनाएंगे इसी कार्डिगन के साथ मैच करती हुई कैप इस कैप के लिए मैंने ये दो बॉल लिए हैं उनके ये पच्चीस पच्चीस ग्राम का एक बॉल है तो टोटल पचास ग्राम वूल है ये मेरे पास इसका बॉर्डर जो है बिल्कुल सेम वैसे बनेगा जिस तरह से हमने अपना कार्डिगन है उसका बॉर्डर बनाया है इसकी चार गार्टरों में बना चुकी हूँ तो यहाँ पे हम इसकी पाँचवीं गार्टरों बनाएंगे इसको बनाया है हमने नौ नंबर की स्लाई इंडियन नौ नंबर थ्री पॉइंट सेवन फाइव एम एम नीटिंग नीडल और इसके जो फंदे हैं वो है नाइन्टी नाइन स्टिचेज निन्यानवे फंदे अगला जो एक गाटा स्टिच रो का मेरा अभी पैटर्न रहता है वो मैं यहाँ पे अभी बनाऊंगी ताकि जो फंदों की सिमेट्री है वो भी आपको पता चल जाए उससे पहले यहाँ मैं अपने फंदों को काउंट करूंगी दो दो करके निन्यानवे फंदे हैं नाइन्टी नाइन जिनको हम दो दो करके काउंट करेंगे तो इस तरफ से मैं अपने फंदे काउंट करने शुरू करूंगी दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस चौबीस छब्बीस अट्ठाईस तीस बत्तीस चौंतीस छत्तीस अठत्तीस चालीस बयालीस चौतालीस, छियालीस अठतालीस पचास बावन चौवन छप्पन अट्ठावन साठ बासठ चौंसठ छियासठ अड़सठ सत्तर बहत्तर चौहत्तर छिहत्तर अट्ठ सत्तर, अस्सी बयासी चौरासी छियासी अट्ठासी नब्बे बानवे चौरानवे छियानवे अट्ठानवे और एक निन्यानवे तो ये टोटल निन्यानवे फंदे हैं हमारे पास नाइनटी नाइन स्टिचे तो अभी ये जो मैं एक स्लाई बना रही हूँ पैटर्न की वो सिर्फ इसलिए है ताकि आपको इन फंदों की समेटी पता चले चार गार्टरों की लेंथ में ऑलरेडी बना चुकी हूं यहाँ पे अगर हम इनको काउंट करेंगे तो यह है एक दो तीन चार समिटी बिल्कुल सेम है जिस तरह की हमने अपने कार्डिगन का जो बॉर्डर बनाया था वैसी है लेकिन एक सिलाई यहाँ पे हम बनाएंगे अपने बॉर्डर की जो कि लास्ट गार्टर रो है हमारी पहला फंदा बिना बुने उतारा उसके बाद तीन फंदे उल्टे एक दो तीन एक फंदा सीधा उनको पीछे ही रखेंगे तीन फंदे उल्टे एक दो और ये तीन तीन फंदे इकट्ठे बुने तीन का एक किया तीन फंदे उल्टे एक दो तीन उनको अपनी तरफ ही रखा एक फंदा सीधा बिल्कुल उसी तरह से बॉर्डर बनाएंगे इसका हम जिस तरह से हमने पिछले हिस्से का अपने जो कार्डिगन है कार्डिगन के पिछले हिस्से का बॉर्डर बनाया दोनों बाजू के बॉर्डर बनाए और अगले हिस्से का बॉर्डर बनाया नाइन्टी नाइन है, हैं निन्यानवे फंदे निन्यानवे फंदों के साथ हम अपनी कैप बना रहे हैं ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी कैप है एक से डेढ़ साल के बच्चे के लिए नौ नंबर की सिलाई है थ्री पॉइंट सेवन फाइव एम एम नीटिंग नीडल है इंडियन नौ नंबर और जो हमने बेबी वूल ली है जो मैंने अपना कार्डिगन स्टार्ट किया था उस टाइम पे मेरे पास दो सौ ग्राम वूल थी जिसमें से एक सौ पच्चीस ग्राम वूल हमारी जो कार्डिगन में लगी तो यहाँ पचास ग्राम वूल है मेरे पास जिससे कि हम अपनी कैप बनाएंगे देखते हैं कि वूल पूरी लगती है उसमें हमें और ऐड करनी पड़ती है या कि उसमें से भी बच जाती है तो ये रहेगी हमारी सिमेट्री पहला फंदा बिना बुने उतारा तीन फंदे उल्टे और उनको वैसे ही अगर हम अपना सीधा फंदा बुन रहे हैं तो उनको अपनी तरफ ही रख के सीधा बुनेंगे ताकि हमारे पास जो नया फंदा बने हमें अपने फंदे को उन पे स्पेशली जो है लपेटने की ज़रूरत ना पड़े अगर हम अपनी बुनाई उल्टी कर रहे हैं उसके बाद हमें सीधा फंदा बनाना है तो उनको हम अपनी तरफ ही रखेंगे अगर हम अपनी बुनाई पीछे की तरफ से कर रहे हैं और इसको हमने आ, उल्टा बुनना है अगला फंदा तो उनको पीछे रख के ही बुनेंगे जिससे ऑटोमेटिकली हमारी जो वूल है आगे पीछे होगी हमें अब यहाँ पे हमारे पास आगे की तरफ वूल है इस फंदे को सीधा बुनना है सीधा बुना उन अपने आप पीछे चलेगी यहाँ पे हमारा जो है एक फंदा नया बन गया अब यहाँ पे ये फंदे को हमने उल्टा बुनना है उनको पीछे ही रखेंगे यहाँ उल्टा बुना तो एक फंदा यहाँ पे हमारा नया बन गया हमें बार बार उनको सिलाई के ऊपर लपेटने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमारी वूल जो है अपने आप ही आगे या पीछे हो रही है तो ये है हमारा उल्टा फंदा बुना हमने ये अब यहाँ से इस फंदे को सीधा बुनना है ऊन हमारी तरफ ही है यह सीधा बुना ऊन पीछे की तरफ चली गई ऊन पीछे है इस फंदे को उल्टा बुना और ये हमारी ऊन आगे की तरफ आ गई तो इस तरह से हमने अपनी पांच गाटर स्टिच रो की लेंथ बनानी है पांच गाटर स्टिच रो की लेंथ बनाने के बाद बाकी का जो हिस्सा होगा हमारा उसे हमने प्लेन बुनना है हमें आ, हमारा जो ये बॉर्डर है बॉर्डर के साथ तेरह सेंटीमीटर की लेंथ चाहिए तो यहाँ पे ये मैं लास्ट के फंदों पे आ चुकी हूँ ये फंदा सीधा और लास्ट में भी हमारे पास है और लास्ट का फंदा जब हमने ये आ, सीधा बुनना है उसके बाद उनको अपनी तरफ करना है क्योंकि यहाँ हमें ना जाली चाहिए ना ही कोई नया फंदा चाहिए तो ये होगी हमारी आखिरी गाठा सिंच रो उल्टी सिलाई सारी हमारी प्लेन बुनी जाएगी पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे पूरी सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी ये हमने पांच गाठा सिंच रो की लेंथ बना ली है अब इसके बाद हमें अगला हिस्सा जो बनाना है इन्हीं फंदों के साथ 99 नाइन स्टिचेस के साथ जो है प्लेन बनाना है सीधी तरफ से सारे फंदे सीधे और उल्टी तरफ से सारे फंदे उल्टे इसको एक बार हम अपनी मैचिंग टेप से मेजर करते हैं तो इसकी जो लेंथ होगी वो होगी सेंटीमीटर्स से में तीन सेंटीमीटर अगर यहाँ पे देखेंगे तीन से थोड़ी ज़्यादा आ जाती है अगर यहाँ से देखेंगे तो ये यह हम यहाँ से इसको जो है मेजर करेंगे और ये है तीन सेंटीमीटर इसके बाद हमें दस सेंटीमीटर की लेंथ और बनानी है इसको अगर हम ये हमारा जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पे करते हैं तो थोड़ा सा क्योंकि ये कटवर्क का जो है हिस्सा है तो यहाँ हल्का सा जो लेंथ है उसमें और ये वाली लेंथ में फ़र्क नज़र आएगा तो हम यहाँ से अपनी जो लेंथ है उसको काउंट करेंगे तो ये है तीन सेंटीमीटर अब इसके बाद हम दस सेंटीमीटर की प्ले लेंथ बनाएंगे और उसके बाद हम अपनी कैप का अगला हिस्सा जो है वो शुरू करेंगे तो अभी मैं सीधी तरफ से सारे फंदे सीधे बुनते हुए उल्टी तरफ से सारे फंदे उल्टे बुनते हुए अपनी दस सेंटीमीटर की लेंथ को पूरा करूंगी ये हमने तेरह सेंटीमीटर की लेंथ बनानी थी जो कि हमने बना ली है तो इसका अगला हिस्सा शुरू करने से पहले हम इसकी जो है मैजरिंग टेप एक बार मेजरमेंट लेंगे ये है तेरह सेंटीमीटर अब इसके बाद हमने अपने फंदों को तीन हिस्सों में डिवाइड करना है हमारे पास टोटल फंदे हैं निन्यानवे नाइन्टी नाइन स्टिचेस और इसको हमने तीन हिस्सों में डिवाइड करना है तो हमारी डिवीजन जो होगी दोनों साइडों पे हम 35, 35 फंदे रखेंगे 35 फाइव स्टिचेस थर्टी फाइव स्टिचेस और बीच में हमारे पास होंगे उनतीस फंदे 29 नाइन तो मैं सबसे पहले अपने फंदों को मार्क करूंगी इस तरफ से ये मैंने अपने पास स्टिच होल्डर रखे हैं और साथ में मेरे पास ये दो स्टिच मार्कर है पहले जो हम अपनी मार्किंग करेंगे उसके लिए अगर स्टिच मार्कर ना हो तो आप छोटा सेफ्टी पिन भी यूज कर सकते हो ये दोनों मैंने खोल के रखे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पैंतीस फंदे थर्टी फाइव स्टिचेस काउंट करूँगी तो दो दो करके हम अपने फंदों को काउंट करेंगे यहाँ से दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस चौबीस छब्बीस अट्ठाईस तीस बत्तीस चौतीस और ये पैंतीस। तो पैंतीस फंदे हैं हमारे पास थर्टी फाइव स्टिचे और ये मैं यहाँ पे इनको मार्क कर रही हूं मार्कर से. ये है एक साइड के फंदे तो इसी तरह से हम अपने दूसरी साइड के फंदे भी पैंतीस फंदे मार्क करेंगे बीच में होंगे हमारे पास ट्वेंटी नाइन स्टिचेस तो यहाँ पे इस मार्किंग के बाद अब हम काउंट करेंगे उनतीस फंदे ट्वेंटी नाइन स्टिचेस दो दो करके दो चार छः, आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह अच्छा, बीस बाईस चौबीस छब्बीस अट्ठाईस और ये एक उनतीस तो यहाँ पे ये मेरा दूसरा मार्कर लग जाएगा तो ये हमने दो मार्किंग जो है वो कर ली है अब हम काउंट करेंगे अपने लास्ट वाले फंदे कि ये कितने हैं तो ये पैंतीस फंदे होने चाहिए थर्टी फाइव स्टिचेस तो अब हम इनको भी काउंट करेंगे दो दो करके दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस चौबीस छब्बीस अट्ठाईस तीस बत्तीस चौतीस पैंतीस तो ये होगी हमारे फंदों की मार्किंग पैंतीस फंदे पैंतीस फंदे और ये उनतीस फंदे थर्टी फाइव स्टिचेस थर्टी फाइव स्टिचेस और बीच में ट्वेंटी नाइन स्टिचेस अब यहाँ पे हम इन पैंतीस फंदों को बुनते हुए ये जो हमारे उनतीस फंदे हैं यहां तक आएंगे हम तो यहां पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद बाकी फंदे हमने सीधे ही बुनने हैं सीधे बुनते हुए हम अपने जो बीच हमारी मार्किंग है वहां तक आएंगे सबसे पहले हम इन फंदों को बुन लें ये हमने 35 फंदे जो है वो बुने हैं एक साइड के मार्किंग तक इन फंदों को हम बुनेंगे तो ये गए हमारे 35 फंदे अब यहाँ पे हम इसके बाद बुनेंगे अपने उनतीस फंदे मार्किंग को यहीं रहने देंगे उनतीस फंदे दूसरी मार्किंग तक नहीं हमने ये जो हमारे बीच में उनतीस फंदे हैं इनको हमने गाटा स्टिचरो पैटर्न से बनाना है जो सेंटर वाला हिस्सा है हमारा इसको हम गाटा स्टिचरो पैटर्न से बना रहे हैं तो यहाँ पे मैं इन फंदों को ये जो उनतीस फंदे हैं उनतीस फंदों में से पहले दो फंदे हम सीधे बुनेंगे एक और ये दो और बाकी के फंदे हमने गाटा स्टिचरो पैटर्न से बनाने हैं लास्ट के दो फंदों तक लास्ट के दो फंदे भी हम सीधे बनाएंगे ये जो बीच वाले हमारे पास उनतीस फंदे हैं पहले 35 फंदे हमने बनाए आ, 35 पैंतीस फंदे हमने बुने बुनने के बाद हम ये जो हमारे सेंटर के उनतीस फंदे हैं, वहां तक आए हैं जिसमें से पहले दो स्टार्टिंग के फंदे और एंड के दोनों फंदे वो हमने सीधे बुनने हैं और बीच वाले जो बाकी फंदे हैं तो बाकी बचेंगे पच्चीस फंदे क्योंकि चार फंदे हमारे साइडों पे निकल गए जिनको हमने सीधा बुनना है दो फंदे एक तरफ दो फंदे एक तरफ और बीच के पच्चीस फंदे जो हैं वो उनको हमने गाटा सीचर पैटर्न से बनाना है अब ये आगे हमारे पास दो फंदे इनको हमने सीधा बुनना है एक और ये एक दो मार्किंग निकाल देंगे इन फंदों को हम नहीं बुनेंगे ये फंदे जो हैं, इनको मैं स्टिच होल्डर पे उतार लूंगी ये जो मेरे पास पैंतीस फंदे हैं अब हमने इनको नहीं बुनना है और इन फंदों को हम अपने स्टिच होल्डर पे उतार लेंगे पैंतीस के पैंतीस फंदों को ये हमने अपने स्टिच होल्डर पे उतार लेने हैं सारे के सारे फंदे पहले वाले जो स्टार्टिंग वाले पैंतीस फंदे हमने इसलिए बुने हैं क्योंकि हमारी जो वूल थी बुनने वाली वो बिल्कुल स्टार्टिंग में थी तो उसको हमें अपने जो उनतीस फंदे हैं वहां तक लेके आना था तो इसलिए हमने पैंतीस फंदे बुने ताकि हम अपनी बुनाई के बीच में आ जाए अब ये फंदे हम नहीं बुनेंगे अब यहाँ से हम इस मार्किंग तक वापस आएंगे बुनते हुए ये जो हमारे पास उनतीस फंदे हैं इनको बुनते हुए हम अपने जो स्टार्टिंग वाले पैंतीस फंदे हैं वहाँ तक आएंगे और ये जो हम गाटा सिचड़ पैटर्न बना रहे हैं ये फंदे उल्टे बुनते हुए बना रहे हैं तो स्टार्टिंग जो हमारी पहली सिलाई थी उसमें हमने दोनों तरफ के चार चार फंदे तो सीधे बुने बीच वाले फंदे हमने उल्टे बुने और उल्टी तरफ से सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे ताकि हमारी जो गाटा सिच रो है वो कंप्लीट हो तो ये मैंने जो उल्टी सिलाई है वो बनानी शुरू की और ये अब हम अपनी मार्किंग तक आ रहे हैं तो स्टार्टिंग में हमने इसलिए नहीं फंदों को अपने उस पर उतारा नहीं तो यहाँ पे ये फंदा खींच जाता है तो इस वजह से हम ये उल्टी सिलाई बुनने के बाद इन फंदों को जो है अपने स्टिच होल्डर पे उतार लेंगे तो अभी हमने सेंटर वाले फंदे बुनने हैं और जो हमारे स्टार्टिंग और एंड वाले फंदे हैं पैंतीस पैंतीस फंदे हैं उनको हम नहीं बुनेंगे तो ये मैं यहाँ पे सारे फंदे पैंतीस के पैंतीस फंदे जो है उनको स्टिच होल्डर पे उतारूंगी अब दोनों तरफ के हमने हमारे जो फंदे थे जो हमने डिवाइड किए थे अपने फंदे तो दोनों साइड्स के जो फंदे थे उन फंदों को हमने अपने स्टिच होल्डर्स पे उतार लिया तो ये हो गए हमारे फंदे जो हमने उतारे हैं अब हमने ये जो सेंटर वाले फंदे हैं सिर्फ इनको बुनना है यहाँ पे आ, ये जो हमारा आ, सेंटर है इस सेंटर को हमने इन फंदों के बराबर ये जो ये लेंथ है हमारी इसके बराबर बनाना है तो एक बार मेजरिंग टेप से हम एक बार ये देखें कि इसकी लेंथ कितनी है क्योंकि हमारी जो लेंथ होगी इस हिस्से की लेंथ है वो इसके बराबर हमें चाहिए क्योंकि ये लेंथ कंप्लीट करने के बाद इस हिस्से को कंप्लीट जब हमने करना है तो इस ये, ये जो दोनों हिस्से हैं ये वाला हिस्सा और ये हिस्सा इसके साथ हमने साइडों से जोड़ना है इसको तो हमारी जो लेंथ होगी सेंटर वाले हिस्से की वो इन हिस्सों के बराबर होगी यहाँ मैं एक बार इसकी लेंथ जो है मेजरिंग टेप से मेजर करूँगी कि हमारी ये लेंथ कितनी है हमारी जो ये लेंथ है ये अप्रॉक्सीमेट तेरह जो है तेरह सेंटीमीटर की है यहाँ से ये तेरह सेंटीमीटर की लेंथ है और अगर मैं इन फंदों की बात करूँ ये हमारे पास पैंतीस फंदे हैं और इन पैंतीस फंदों के साथ इस हिस्से को जोड़ने के लिए हमें साइडों पे पैंतीस पैंतीस चेन चाहिए इस तरफ भी पैंतीस चैन चाहिए और इस तरफ भी तो इसलिए हमें पैंतीस गाटा स्टिच रो बनानी है अभी जो हम अपनी लेंथ बनाएंगे पैंतीस गाटा रो की लेंथ बनाएंगे बीच में से ये जो हमारी गाटा रो है उनको काउंट करते हुए ये लेंथ हमने जो है अभी मेजर की है ये लेंथ है हमारी तेरह सेंटीमीटर लेकिन हमने इस हिस्से की जो लेंथ है उसको चेन्स के साथ हम इसको इसकी जो गाटा सिंच रो है उसके साथ काउंट करेंगे एक गाटा सिंच रो साइड में एक चेन तो यहाँ पे मैं 35 मुझे जो है वो चेन्स यहाँ चाहिए ताकि इन फंदों के साथ मैं इसको मैच कर सकूँ अब इसमें एक चीज हम और करेंगे ये जो हम बीच वाला हिस्सा बना रहे हैं हमने उनतीस फंदों के साथ ये हिस्सा शुरू कर लिया है अब हमने क्या करना है हर छठी सिलाई में यहाँ पे हर तीसरी गाटा सीश्रो पे हमने एक फंदा जो है वो कम करना है एक एक फंदा दोनों तरफ से एक गाटा सीश्रो मैंने अभी बनाई है अब इस गाटा सीशरो में हम दोनों साइडों पे एक एक फंदा कम करेंगे तो पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद इस फंदे को हमने दूसरे फंदे के साथ मैच करके ये जो अगला गाटा सीश्रो वाला फंदा है उसके साथ मैच करके यहाँ हम दो फंदे इकट्ठे बुनेंगे तो ये हमने यहां एक फंदा कम कर दिया है और बाकी के फंदे बीच वाले हम उल्टे बुनेंगे एंड वाले चार फंदों तक तो ये हम जो है लास्ट तक पहुंच रहे हैं ये है चार फंदे इस फंदे को बुनेंगे अब उनको पीछे किया इन दो फंदों को इकट्ठा बुनेंगे दो का एक करेंगे तो हमने दोनों तरफ एक एक फंदा घटाया अब इसके बाद पूरी सिलाई हमारी जो है वो हम उल्टी बुनेंगे इस गाटर स्टिच रो में हमने दोनों तरफ एक एक फंदा घटाया मतलब कि इस गाटर स्टिच रो में हमने दो फंदे घटाए अब इसके बाद दो गाटर स्टिच रो बुनेंगे जिसमें हमने कोई फंदा नहीं घटाना बिल्कुल प्लेन बनाना है मतलब कि हर तीसरी गाटर स्टिच रो में हमने फंदा घटाना है पहली गाटर स्टिच रो में फंदा नहीं घटाएंगे उसके बाद दूसरी गाटर स्टिच रो में फंदा घटाया अब मैं जो है दो गाठा सी रो बनाऊंगी जिसमें कि कोई फंदा नहीं घटाऊंगी अब ये दूसरी पहली गाठा सी रो मैंने शुरू कर दी है बनानी और इसमें कोई भी फंदा हमने नहीं घटाया है तो ये गाठा सी रो मैं ऐसे ही पूरी करूंगी बिना कोई फंदा घटाए अब आ गए हम अपनी दूसरी गाठा सी रो में इसमें भी हमने फंदा नहीं घटाना है पिछली गाठा सी रो में भी हमने फंदा नहीं घटाया तो इस गाठा सी रो में भी हम फंदा नहीं घटाएंगे साइडों के दोनों फंदे सीधे बुनेंगे और बीच वाले फंदे गाठा सीचरो में बुनेंगे जिस तरह से हमने पहली गाठा सीचरों बनाई थी तो मैं अब ये दूसरी गाठा भी पूरी करूंगी बिना कोई फंदा घटाए तो ये हमने ये जो दो गाठा सिंच बनाई है इसमें हमने कोई भी फंदा नहीं घटाया है इस गाठा सिंचरों में हमने फंदा घटाया था इस गाठा सिचरो में कोई फंदा नहीं घटाई ये हमारी स्टार्टिंग वाली गाठा उसके बाद ये जो दूसरी गाठा सी श्रोत थी इसमें हमने फंदा घटाया दोनों तरफ एक एक फंदा घटाया एक एक फंदा घटाने के बाद ये दो गाटा सी श्रो इसमें हमने कोई फंदा नहीं घटाया अब है हमारी एक दो गाठासी श्रो के बाद ये तीसरी गाठा सी श्रो है तो यहाँ पे हम फंदा घटाएंगे मतलब कि एक गाटा सी च्रो में हमने फंदा घटाना है उसके बाद दो गांटासी श्रो में हमने फंदा नहीं घटाना है हर तीसरी गाठा रो में फंदा घटाना है दोनों तरफ एक एक फंदा तो ये मैं तीसरी गाठा रो में फंदा घटा रही हूं हमारे पास ये टोटल उनतीस फंदे हैं जब हमने स्टार्ट किया था तो उनतीस फंदे थे तो अब उसके बाद हम हर तीसरी गाठा रो में दोनों तरफ एक एक फंदा घटा रहे हैं तो देखते हैं तक कितने फंदे हम घटा पाते हैं और इसकी लेंथ हमें बनानी है पैंतीस गाठा रो की क्योंकि इसे हमने साइडों के साथ जोड़ना है तो उसके साथ जो है आ, ये इक्वल होना चाहिए यहाँ पे हमने ये दो फंदे इकट्ठे बुने और ये है हमारा एच टीच ये दोनों फंदे हमने सीधे ही इसलिए रखे हैं ताकि हमें पता चल सके कि हम कहाँ पे फंदा घटा रहे हैं तो ये हम जो है हर तीसरी गाठा रो में फंदा घटाते हुए पैंतीस गाटे सिंच रो की लेंथ को पूरा करेंगे ये हमने पिछला हिस्सा जो था वो बना लिया है पैंतीस गाठा सिंच रो की लेंथ हमने बनाई है क्योंकि हमारे पास ये जो साइड है साइडों में पैंतीस पैंतीस फंदे हैं तो जब हमें इनको आपस में जोड़ना है तो हमें इस हिस्से में भी उतने ही फंदे चाहिए तो पैंतीस गाटे सिंच रो के साथ हमारे पास यहाँ पैंतीस चेन आएंगी ये जो हिस्सा हमने बनाया है शुरू किया था हमने उनतीस फंदों के साथ ट्वेंटी नाइन स्ट्रेच के साथ हर तीसरी गाटस रो पे हमने फंदा घटाया दोनों तरफ एक एक फंदा घटाया तो लास्ट में हमारे पास बचे सात फंदे यहाँ पे ये मैं काउंट कर रही हूँ दो चार छ और ये सात तो लास्ट में हमारे पास बचे सात फंदे और एक बार मैं ये जो गाटस इचरोज हैं इनको भी काउंट करूंगी एक एक करके यहाँ से यह है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस, तीस इकतीस बत्तीस तैतीस चौंतीस और ये पैंतीस काटा स्टिच रो अब यहाँ पे हम एक बार साइड पे हमारी जो चेन्स हैं इनको भी काउंट करेंगे ये हमें पैंतीस चाहिए तो ये हमारी पहली चेन है यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस 33, चौंतीस और ये पैंतीस तो पैंतीस हमारे पास चेन है पैंतीस ही इस तरफ हमारे पास फंदे हैं तो यहाँ पे अब मैं इस हिस्से को इस हिस्से के साथ सबसे पहले हम जोड़ेंगे क्योंकि हमारी जो ये आ, यह है, ऊन है वो इस हिस्से के साथ है तो यहां हम इस तरफ से पैंतीस फंदे नए बनाएंगे तो यहां पे मैं ये है मेरे पास आ, ये जो ऊन है यहां से हम ये जो चेन है चेन से इस तरह से हम फंदे निकालने शुरू करेंगे ये पैंतीस फंदे हमने बनाने हैं सात फंदे हमारे पास पहले ये जो सात फंदे हैं यहाँ पे मैं एक बार पहले मार्कर लगाऊंगी, ताकि आ, हमारे जो ये फंदे हैं हमें पता रहे कि हमने पैंतीस फंदे कहाँ से लेने हैं तो ये मैं दो चार छः और एक ये सात तो यहाँ पे मैं ये मार्कर लगा दूँगी इस तरह से आप इन इन फंदों को आप जो है स्टिच होल्डर पे भी उतार सकते हो तो ये मैं पैंतीस फंदे बनाऊंगी हर चेन में से काउंट करके हर चेन से हमने एक फंदा नया बनाना है तो इस तरह से हम पैंतीस फंदे जो है वो बनाएंगे बहुत इजी है आराम से जब हम साइड का पहला फंदा जो होता है आ, आ, बुनते हुए जो पहला फंदा है उसे हम बिना बुने उतारते हैं तो हमारे पास ये चेन बनती है चाहे वो सीधी तरफ से हो चाहे उल्टी तरफ से हो इससे क्या है सिलने में और इस तरह जो है नए फंदे बनाने में हमें इजी रहता है तो हर चेन में से हम एक फंदा जो है वो बनाएंगे तो ये मैं पैंतीस फंदे हर चेन में से एक फंदा बनाते हुए इस तरह से ये जो है हमारे पास पैंतीस फंदे आएंगे तो मैं ये पैंतीस नए फंदे बनाऊंगी तो ये हमने पैंतीस फंदे बना लिए हैं नए हर चेन में से एक फंदा नया बनाते हुए ये है हमारा मार्कर मार्कर के बाद हमें पैंतीस फंदे चाहिए थे तो यहाँ पे मैं पैंतीस फंदों को काउंट करूंगी दो दो करके यहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस चौबीस छब्बीस अट्ठाईस तीस बत्तीस चौतीस और एक पैंतीस अब इन फंदों को मैं अपनी नेटिंग नीडल पे ले लूँगी ये जो हमारे ये पैंतीस फंदे हैं इनको हम नेटिंग नीडल पे जो है वो डाल लेंगे तो ये मैं एक एक करके सारे फंदे जिस तरह से हमने ये स्टिच होल्डर में डाले थे वैसे ही हम ये सारे फंदे जो है वो अपनी निटिंग नीडल पे वापस ले लेंगे ये जो एक तरफ के हम फंदे बना रहे हैं ना फंदे बनाए हैं हमने नए उसके बाद ये जो फंदे वापस हम अपनी निटिंग नीडल पे ले रहे हैं तो ये एक, एक करके हम ये जो फंदे हैं इनको अपनी दूसरी सिलाई पे जो नेटिंग नीडल है उसमें ट्रांसफर कर रहे हैं और ये हो गए हमारे फंदे ट्रांसफर पैंतीस फंदे हैं पैंतीस के पैंतीस फंदे हमने ट्रांसफर कर लिए हैं अब हम यहाँ पे इन फंदों को आपस में जोड़ेंगे और बाइंड ऑफ करेंगे दोनों तरफ के फंदे एक एक फंदा दोनों तरफ से लेते हुए उनको आपस में हमने जोड़ना भी है और फंदों को बाइंड ऑफ भी करना है जिस तरह से ये वाला हिस्सा बना रहे हैं उसी तरह से हमने बिल्कुल सेम वैसे ही नए फंदे बनाने हैं वैसे ही आपस में इनको जोड़ना है तो 35 फंदे उठाए जो है नए बनाएंगे दूसरी तरफ भी और इसी तरह से जिस तरह इसका एक हिस्सा बना रहे हैं एक साइड का जो हिस्सा जोड़ रहे हैं आपस में उसी तरह से हम इसका दूसरा हिस्सा भी जोड़ेंगे दोनों तरफ से एक एक फंदा लेंगे दोनों को इकट्ठा बुनेंगे और जो है पिछले फंदे को पहले फंदे के ऊपर से पास करेंगे तो यहाँ मैं यहाँ पे मैं इन सब फंदों को इसी तरह से आपस में जोड़ते हुए बाइंड ऑफ करूँगी और दोनों साइड अभी तो मैं फ़िलहाल एक साइड को आपस में जोड़ रही हूँ इसी तरह से ही दूसरी साइड को भी जोड़ के अपना जो ये साइड जोड़ने वाला हिस्सा है हमारी बुनाई का उसको कंप्लीट करूँगी बिल्कुल सेम और जो बीच में सात फंदे हैं उनको हमने एज इट ही रखना है तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो इन फंदों को आपस में जोड़ूँ तो ये हमने जो है एक एक करके सारे फंदे जो थे हमारे पास उनको हमने आपस में जोड़ा भी है और फंदों को बाइंड ऑफ भी किया है ये लास्ट वाले फंदे हैं दोनों तो ये हमने दोनों को बाइंड ऑफ कर दिया जोड़ के एक फंदा बचता है तो नेचुरली है कि एक फंदा जो है इस फंदे के साथ आके ये बाइंड ऑफ होगा और ये ये हम यहाँ पे इन फंदों को इस तरह से बुनते हुए हम दूसरी साइड पे आ गए अब इसी तरह से हम जो है इस तरफ भी सेम वैसे ही दूसरी तरफ भी पैंतीस फंदे नए बनाएंगे और दूसरे हिस्से के साथ जोड़ेंगे जिस तरह से हमने इस हिस्से को जोड़ा है तो ये हमारा जो पिछला हिस्सा है जहां से हमने ये दोनों हिस्से जोड़ने थे वो कंप्लीट हुआ तो बैक साइड की जो हमारी कैप है उसकी शेप होगी ये इस तरह से ये है हमारी कैप की बैक साइड की शेप अब हमें इसका नीचे वाला हिस्सा बनाना है जिसमें हम अपना आ, रिबन या फिर डोरी डालेंगे तो ये सात फंदे हैं हमारे पास दो चार छः सात अब हमने सबसे पहले तो इस तरफ से नए फंदे बनाने हैं उसके बाद इस तरफ से नए फंदे बनाएंगे ये हमारी जो ऊन है ये इस तरफ है पहले तो यहाँ से हम इसके जो फंदे हैं वो नए फंदे बनाने शुरू करेंगे देखते हैं कितने फंदे बना पाते हैं हम ये मेरी जो नौ नंबर की सिलाई है थ्री पॉइंट सेवन फाइव एम एम उसी से ही हम ये नए फंदे बनाएंगे हर चेन से एक फंदा तो ये हर चेन से एक फंदा मैं बना रही हूँ सात फंदे हमारे पास पहले हैं तो मैं सात फंदों पे यहाँ पे एक पर मार्कर लगा देती हूँ ताकि जो दोनों तरफ के फंदे हैं वो हम एक जैसे ही उठा पाएँ दो चार छः और ये सात सात फंदों के बाद ये मार्कर ताकि दोनों साइडों के फंदे हमारे पास बराबर हों तो इसलिए ये मैं यहाँ ये मार्कर लगा देती हूँ और ये हम यहाँ हर चेन से एक फंदा नया बनाएंगे देखते हैं कितने फंदे नए बना पाते हैं तो ये मैं हर चेन से एक नया फंदा बना रही हूँ तो अभी जो है सात फंदे हमारे पास पहले भी हैं और ये जो है हम नए फंदे बना रहे हैं हर चेन से एक फंदा कितने फंदे बना पाएंगे अभी पता चल जाएगा बिल्कुल एंड तक हमने जो है ये फंदे बनाने हैं तो ये मैं एक एक करके हर चेन से एक नया फंदा बना रही हूँ सिलाई हमारी जो है वो सेम है नौ नंबर थ्री पॉइंट सेवन फाइव एम एम नीटिंग नीडल और ये है हमारे फंदे जो हम नए बना रहे हैं आ, ये और ये जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है यहाँ से एक फंदा ज़रूरी है ये हो गया हमारे फंदे जो हमने नए बनाए हैं अब हम अपने फंदों को एक बार जो है दो दो करके काउंट करेंगे कि हमने कितने नए फंदे बनाए हैं तो यहाँ पे इस तरफ से मैं दो, दो करके फंदे काउंट करना शुरू करूँगी दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह अच्छा, बीस बाईस चौबीस तो चौबीस फंदे हमने एक तरफ नए बनाए हैं तो हमें दूसरी तरफ भी चौबीस फंदे ही नए बनाने हैं तो यहाँ ये जो हमने फंदे बनाए हैं इनको उल्टा बुनते हुए हम यहाँ तक पहुँचेंगे अपने सात फंदों तक तो ये मैं सारे फंदे बुनते हुए पहला फंदा भी अभी नया बनाया तो उसको भी बुनेंगे बुनते हुए हम अपनी दूसरी साइड पे पहुँचेंगे ये हमने चौबीस फंदे एक तरफ नए बनाए हैं तो दूसरी तरफ जो है हमारी वहाँ पे भी हम चौबीस फंदे ही नए बनाएंगे बीच में है हमारे पास सात फंदे तो चौबीस फंदे एक तरफ चौबीस फंदे दूसरी तरफ तो टोटल हो गए अठतालीस फंदे ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर फोर्टी एट स्टिचेस और उसमें होंगे सात फंदे जो हमारे पास पहले ही हैं तो टोटल हमारे पास हो जाएंगे पचपन फंदे इसको मैं फ़िलहाल यहीं रख रही हूँ अपने मार्कर को तो टोटल हो जाएंगे हमारे पास पचपन फंदे फिफ्टी फाइव स्टेचर्स तो हमारी जो पिछला ये वाला हिस्सा हम बना रहे हैं ये बनेगा हमारा पचपन फंदों के साथ यहाँ पे मैं ये मार्कर लगा रही हूँ और मार्कर के बाद यहाँ से हम फोट ट्वेंटी फ़ोर जो है वो नए बनाएंगे जिस तरह से हमने दूसरी तरफ फंदे बनाए हैं चौबीस फंदे नए बनाए हैं उसी तरह से हम इस तरफ भी हर चेन से एक नया फंदा बनाते हुए ट्वेंटी फोर स्टिचेस बनाएंगे नए ये हमने नए फंदे चौबीस बनाने थे जो बना लिए हैं ये है हमारा मार्कर मार्कर के बाद हमें चौबीस फंदे नए बनाने थे क्योंकि इस तरफ भी हमने चौबीस फंदे ही बनाए थे तो यहां मैं दो दो करके पहले अपने चौबीस फंदे काउंट करूंगी ये मार्कर है हमारा तो मार्कर के बाद दो चार छः, आठ दस बारह चौदह सोलह अट्ठारह बीस बाईस चौबीस अब हम ये मार्कर निकाल देंगे अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है तो दोनों मार्कर जो हैं हमारे इनको हमने निकाल देना है ये भी और ये दूसरा मार्कर भी मार्कर निकालने के बाद अब हम सारे फंदों को एक बार इकट्ठे काउंट करेंगे तो मैं दो दो करके काउंट करूंगी इनको ये ये पचपन फंदे होने चाहिए फिफ्टी फाइव स्टिचेस तो यहाँ दो दो करके इन फंदों को काउंट करेंगे दो दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस चौबीस छब्बीस अट्ठाईस तीस बत्तीस चौंतीस छत्तीस अट्ठतीस चालीस बयालीस चौतालीस छियालीस अड़तालीस पचास बावन चौवन और एक पचपन तो ये हैं पचपन फंदे अब इन पचपन फंदों के साथ हमने चार गार्टर सी बनानी है और उसके बाद इन फंदों को हमने बाइंड ऑफ कर देना है पहला फंदा जो है हमने इसको बिना बुने उतारना है और इसको हमने बुनना ही है क्योंकि ये फंदा तो अभी नया बनाया है ना तो एक फंदा उसके बाद सारे फंदे उड़ते तो हम चार गाटा सिच रो की लेंथ बनाएंगे और उसके बाद सारे फंदे जो हैं उनको हमने बाइंड ऑफ करना है तो है एक दो तीन चार पचपन फंदों के साथ और ये मैं अपने जो नेटिंग है उसको बाइंड ऑफ कर रही हूँ एक एक फंदा करके ये बिल्कुल हम एंड पे हैं अपनी बाइंड ऑफ के तो ये एक, एक करके मैंने सारे फंदे जो हैं वो बाइंड ऑफ कर दिए हैं पचपन फंदों के साथ ये पीछे हमने बॉर्डर बनाया था लास्ट में बिल्कुल चार गाटा स्टिच रो का तो ये हमारे पास अब लास्ट में एक फंदा बचता है ये अब इसके साथ हम यहाँ से पांच फंदे बनाएंगे एक फंदा हमारे पास है तो यहाँ मैं चार नए फंदे बनाऊंगी पहला फंदा जो बनाऊंगी तो ये लास्ट वाला फंदा उसको इसके साथ जोड़ के यहाँ पे हम पाइंड ऑफ कर देंगे इस तरह से तो ये साइड पे आ जाएगा एक ये है दूसरा फंदा और ये तीसरा फंदा ये है चौथा फंदा और ये इसके साथ ही एक और पांचवा फंदा तो अब ये हमारे पास पांच फंदे हैं तो पांच फंदों से हम जो है स्ट्रैप बनाएंगे अपनी कैप का जिस तरह से इस तरफ स्ट्रैप बनाएंगे वैसे ही हम इस तरफ जो है उनको अटैच करेंगे और पांच फंदों का स्ट्रैप बनाएंगे तो ये मैं इसको बिगाटा सीचरो पैटर्न से ही बनाएंगे तो इसकी लेंथ जो है अपने हिसाब से जितनी हमें चाहिए उतनी हम रख सकते हैं तो यहाँ पे मैं ये बनाना शुरू करती हूँ देखती हूँ कि कितनी जो लेंथ है वो हमारे लिए सफिशेंट रहेगी तो ये मैं पांच फंदों के साथ स्ट्रैप बनाऊंगी कैप की लास्ट में ये एक तरफ है जिस तरह से एक तरफ हमने ये पांच फंदे लिए हैं पांच फंदों के साथ हम ये स्ट्रैप बनाना शुरू किया है हमने उसी तरह से ही हम दूसरी तरफ भी पांच फंदे नए बनाएंगे उनको अटैच करके यहाँ पे ये उन साथ ही थी तो मैंने इसी से ही जो है नए फंदे बना लिए दूसरी तरफ हम ऊन अटैच करेंगे और ये पांच फंदों के साथ ये जो हमारी कैप है इसकी स्ट्रैप बनाएंगे तो अभी मैं ये दोनों स्ट्रैप जो है उनको पूरा करूँगी पांच फंदों के साथ दोनों स्ट्रैप्स हमने कंप्लीट कर ली हैं ये जो आ, हमारे स्ट्रैप्स हैं इस तरह से एक स्ट्रैप के लिए पांच फंदे लिए हमने और इसकी जो लेंथ है वो बत्तीस गार्टर स्टिच रो की है थर्टी टू स्टिच रो यहाँ से एक बार मैं अपनी जो ये स्ट्रैप है इसकी लेंथ को काउंट करूँगी गाटा स्टिच रो से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तो बत्तीस स्टिच रो की लेंथ हमने अपने स्टैप के लिए बनाई है जिस तरह से ये स्टैप की लेंथ है वैसे ही सेम दूसरी स्टैप की लेंथ है तो हमारी ये जो कैप है वो कंप्लीट हुई जो हमने ये कैप बनाई है एक से डेढ़ साल के बच्चे के लिए बनाई है पचास ग्राम हमने वूल ली थी लेकिन हमारी पूरी वूल नहीं लगी तीस से पैंतीस ग्राम वू, आ, जो वूल है हमारी इस आ, कैप को बनाने में लगी स्टार्ट किया हमने निन्यानवे फंदों के साथ नाइन्टी नाइन स्टिचेस के साथ और ये पांच पाँच गार्डसिश्रो की हमने लेंथ बनाई ये जो हमारा लेस पैटर्न है पांच गार्ठे सीचरों की लेंथ बनाने के बाद हमने जो है इसके आगे का हिस्सा प्लेन बनाया टोटल हमारी जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक तेरह सेंटीमीटर थी आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हो जो मेरी ये लेंथ थी वो स्टार्टिंग से लेके यहां तक तेरह सेंटीमीटर की थी तेरह सेंटीमीटर की लेंथ बनाने के बाद हमने अपनी कैप को तीन हिस्सों में यहां से डिवाइड किया तो ये जो तीन हिस्से थे इसमें साइडों में हमारे जो फंदे थे पैंतीस और पैंतीस फंदे थे बीच में थे उनतीस फंदे थर्टी फाइव स्टिचेस थर्टी फाइव स्टिचेस और बीच में सेंटर में थे ट्वेंटी नाइन ये जो फंदे हमने साइडों पे अपने स्टिच होल्डर पे उतार लिए और इन फंदों के साथ हमने जो है ये जो गाटसिचरों का पैटर्न है हमारा पिछला ये बनाया हमने ये जो हमारी लेंथ है ये लेंथ हमारी थी पैंतीस गाटा सिंचरों की क्योंकि हमारे साइडों के फंदे पैंतीस पैंतीस थे तो ये हमारी लेंथ जो है गाट पैंतीस गाटा सिंचरों की लेंथ थी फंदे थे उनतीस पहली रो जो हमने बनाई वो बिल्कुल सिंपल उसमें कोई फंदा नहीं घटाया और उसके बाद हमने अपने फंदे घटाने शुरू किए दोनों तरफ एक एक फंदा ये जो गाटा सिंच पैटर्न हमने उनतीस फंदों पे बनाया इसमें दोनों साइड पे दो दो फंदे हमने जो थे वो सीधे बनाए ताकि हम जो ये फंदे घटा रहे हैं तो उसको थोड़ी सी सिमेट्री मिले उनतीस फंदों के साथ हमने ये शुरू किया हर तीसरी गाटर स्टीचरो पे हमने दोनों तरफ एक एक फंदा जो घटाया पैतीस गाटर स्टीचरो की लेंथ पूरी करने तक हमारे पास लास्ट में सात फंदे बचे मतलब कि उनतीस फंदों में से २२ फंदे हमने घटाए ग्यारह फंदे इस तरफ ग्यारह फंदे इस तरफ और लास्ट में हमारे पास सात फंदे बचे ये जो आ, हमने फंदे घटाए दो गाठा स्टिच रो प्लेन बुनी तीसरी गाठा स्टिच रो में हमने दोनों तरफ एक एक फंदा जो है वो घटाया उसके बाद फिर दो गाठा स्टिच रो हमने प्लेन बुनी तो तीसरी गाटे सीचरों में हमने दोनों तरफ एक एक फंदा जो है वो घटाया हमने इसी समिटी से एंड तक फंदे घटाए बत्तीस गाटे सिचरों की लेंथ बनाने के बाद हमारे पास ये जो साइडों पे दोनों तरफ ये जो ये फंदे थे हमारे पास इन फंदों के साथ इसको हमने अटैच किया इसको जो है दोनों को जॉइन किया उसके लिए साइड पे बत्तीस पैतीस चेन हमारे पास थी 35 नए फंदे बनाए इस तरफ 35 नए फंदे बनाए इस तरफ तो दोनों हिस्सों को हमने आपस में जोड़ा जो कि वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर जो है वो दिख जाएगा दोनों हिस्से जोड़ने के बाद सात फंदों को हमने एज इट इज ही रखा इन सात फंदों को हमने कहीं पे भी यहां तक ये जो दोनों हिस्से हैं इनमें यूज नहीं किया दोनों हिस्से जोड़ने के बाद ये जो हमारे नीचे वाले हिस्से हैं जो साइडों के हिस्से थे एक साइड से लेके दूसरे साइड तक हमने फंदे नए बनाए एक तरफ के फंदे जो थे वो चौबीस फंदे थे जो हमने नए बनाए चौबीस इस तरफ चौबीस इस तरफ बीच में सात फंदे ट्वेंटी फोर 24 ट्वेंटी 24 फोर और बीच में सेवन स्टिचेस। तो टोटल हमारे पास जो लास्ट में फंदे बने वो थे पचपन फंदे पचपन फंदों के साथ हमने यहाँ पे चार गार्टर स्टीचरों की लेंथ बनाई चार गार्टर स्टीचरों की लेंथ बनाने के बाद यहाँ पे हमने सारे फंदे बाइंड ऑफ कर दिए साइडों पे पांच पांच फंदे जो है वो नए बनाए और अपनी स्ट्रैप बना के अपनी कैप को कंप्लीट किया तो ये होगी हमारी कैप एक से डेढ़ साल के बच्चे के लिए हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने इसी कैप के साथ का कार्डिगन बनाया था लेस पैटर्न के साथ इस वीडियो में हमने ये कैप बनाई है लेस पैटर्न के साथ और ये जो हमारा पिछला हिस्सा है थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से बनाया है इसको और हमारी जो अगली वीडियो होगी उसमें बनाएंगे हम इसी के साथ की बूटीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक करें शेयर करें और अगर आप पहली बार मेरे चैनल के इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में इसी हिस्से इसी जो कैप है इसका अगला हिस्सा जो कि है बूटीज तो हम अगली वीडियो में बनाएंगे बूटीज मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में बूटीज के पैटर्न के साथ तब तक के लिए गुड बाय